हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स उल्लू। सो आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा साइंस का जो स्टैटिक पार्ट मैंने आपसे बोला था हम लोग वही स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये है कि साइंटिस्ट जितने भी बायोलॉजिकल जो उन्होंने इन्वेंट किए हैं, इन्वेंशंस किए हैं, वैक्सीन हो गया, विटामिन हो गए, ये सब के हम लोग साइंटिस्ट देखेंगे, उनके नेम लर्न करेंगे और जितने ट्रिक्स से हो सकते हैं उतने हम लोग ट्रिक्स से करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमारा हो गया विटामिन। विटामिन किसने किए थे? हॉपकिंस ने। तो हम इसको याद करने की क्या ट्रिक है, देखिए जो रैबिट होता है वो क्या करता है, वो हॉप 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 करके मतलब कूद के चलता है। तो ऐसे हमने कर लिया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मल्टी विटामिन या ऐसा कुछ बहुत है। तो विटामिन किसने किया? हॉपकिंस। हॉप 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 करके कूदते फांदते लोग एकदम चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर भरपूर विटामिन की मात्रा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? पोलियो ड्रॉप ओरल। अब देखिए ये ना हमारी दो होती हैं, एक हमारी ओरल पोलियो ड्रॉप होती है और एक हमारी कौन सी होती है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इंक्यूबेटेड पोलियो ड्रॉप होती है। ठीक है, तो एक मिनट, नेक्स्ट इसी में मैंने डाला था क्वेश्चन, मैं देखती हूँ है कि नहीं। चलिए आएगी, हाँ ये है, तो इसके नीचे मैंने किया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी रखा है। देखिए एक तो ये हो गई आपकी कौन सी, ओरल पोलियो ड्रॉप, तो वो कौन सी हो गई? एल्बर्ट सबिन। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, देखिए सब इन मतलब सब लोग अंदर आ जाएं और हम लोग क्या कर देंगे, उनको पोलियो की ड्रॉप पिला देंगे। सब लोग अंदर आ जाएं, उन सबको हम लोग पोलियो ड्रॉप पिला देंगे। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक हो गई? सब इन एल्बर्ट सबिन। ठीक, अब एक मिनट में क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए अगर आप इसमें आ जाते हैं इंक्यूबेशन ऑफ पोलियो वैक्सीन, अब देखिए जिनका पोलियो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, उनका ओरल ड्रॉप से काम नहीं चल रहा या कुछ भी है, ऐसे मैंने ये ट्रिक का तरीका है। ठीक है, तो उनकी क्या हो गई? जॉन साल्क। तो जॉन साल्क ने क्या करा? इंक्यूबेशन ऑफ पोलियो वैक्सीन। अब देखिए साल्क, वॉक कैसे लिखते हैं हम, वॉक ऐसे लिखते हैं, और इन्होंने साल कैसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है। तो आपने देखा कुछ सिमिलैरिटी है एस और डब्ल्यू की, बस यही दोनों तो सिमिलैरिटी है, मतलब सॉरी डिफरेंसेस हैं, यही दोनों डिफरेंसेस हैं, बाकी एल के क्या है, सिमिलैरिटी है। तो क्या होता है कि अगर आपको पोलियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिनको मतलब चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कौन हेल्प करेगा फिर? हमारा जॉन साल्क। ठीक है, तो इनक्यूबेशन ऑफ पोलियो वैक्सीन किसने किया? जॉन साल्क ने, और ओरल ड्रॉप सब इन, ठीक है, एल्बर्ट सबिन। फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखिए स्टेथोस्कोप, रियल लेनिक। तो देखिए ये क्या है, लेनिक, लेनिक का मतलब क्या हो गया? ले नेक पे ले, मतलब लेनिक है ना, तो ले नेक मतलब ये नेक, गर्दन वाला नेक, ले नेक। तो नेक पे आपने क्या डालते हैं? स्टेथोस्कोप। फाइन, तो ये आपकी इसकी ट्रिक हो गई। अब देखिए उसके बाद कौन सा है आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका कौन सा है? टीबी कॉलरा बैक्टीरिया। अब देखिए इसमें आप मुझे कुछ पॉइंट्स बताने हैं, टीबी का और कॉलरा बैक्टीरिया का। पहली बात तो जो ट्यूबोक्लोसिस, टीबी मींस ट्यूबोक्लोसिस, इसका जो बैक्टीरियल, पहले तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसको याद करने का क्या तरीका है? टीबी, ये तो ऑब्वियसली टीबी, बी फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ट्यूबोक्लोसिस का कौन सी डिजीज है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। और दूसरा कॉलरा का बैक्टीरिया, इन दोनों के कौन है? रॉबर्ट कॉच। ठीक है, तो रॉबर्ट कॉच क्या नाम है? देखो टीबी में बहुत खांसी होती है, अगर किसी को लंग्स की टीबी होती है या ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसको खांसी होती है, तो उसके घर में क्या, वो गले में क्या होता है, उसको खराशे, कॉच कॉच, तो ये हो गया रॉबर्ट कॉच। ठीक, फाइन, तो ये इसके लर्न करने की ट्रिक हो गई। और ना टीबी में कौन सी हम वैक्सीन लगाते हैं? तो वो हम लगाते हैं बीसीजी वैक्सीन। ये आप याद रखिएगा कि टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन होती है? बीसीजी वैक्सीन। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और मैंने, अगर उसमें देखती हूँ, मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ होगा शायद। ठीक है, तो इसके जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए ये भी आप इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? होम्योपैथ। होम्योपैथी की कौन है? हेनेमन। ठीक है, हेनेमन, होम्योपैथ हेनेमन। ठीक है, होम्योपैथ हेनेमन, ऐसे अपना वर्ड एक, पूरे दोनों वर्ड को ऐसे सोचिए एक ही वर्ड है, तो क्या हो जाएगा?
जैसे टॉपर उल्लू है तो वो पूरा एक वर्ड आपने याद किया, आपको एकदम से टॉपर उल्लू के स्ट्राइक करते हैं, वैसे ही आप क्या कहते हैं, होम्योपैथ हैनेमन, होम्योपैथ हैनेमन, एच फॉर होम्योपैथ, एच फॉर हैनेमन, एच फॉर होम्योपैथ, एच फॉर हैनेमन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डीडीटी। अब डीडीटी क्या होता है, डीडीटी एक तरीके का इंसेक्टिसाइड होता है, क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है डीडीटी। ये किसने करा है, पॉल मुलर, पॉल मुलर। देखो अब इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई है याद करने की, अरे पॉल मिल जाओ ताकि हम इस पे कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, ठीक है। किसी भी हमने अगर खेती की है तो पॉल मिल जाओ, तो या फिर पी की हमने खेती की, पॉल मिलो और हम क्या कर देंगे, डीडीटी छिड़क देंगे, इंसेक्टिसाइड छिड़क देंगे। वो कौन सा डीडीटी होगा, डीडीटी ये क्या होता है, ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, किसने इन्वेंट किया है, पॉल मुलर, फाइन। नेक्स्ट देखिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन होती क्या है, देखिए सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है पेनिसिलिन से, वो क्या आता है, पेनिसिलिन एक तरीके की फंगस होती है, क्या होती है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन होती है, ये फंगस से ऑब्टेन होती है। तो आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन एक तरीके की फंगस होती है, और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, कौन है इसके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक। आइए नेक्स्ट, इनोक्यूलेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। देखिए स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर, जेनी जेनी, ये अपने मूवीज में बहुत नेम वेम देखे हैं, जेनी जेनी नाम होते हैं ना, उनको उनके बॉयफ्रेंड्स कौन से गिफ्ट देते हैं, स्मॉल बॉक्स में उनको गिफ्ट देते हैं। जेनी को स्मॉल बॉक्स में गिफ्ट दिया तो क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल बॉक्स, ठीक है। जेनी, एडवर्ड जेनी, जेनिफ, तो एडवर्ड जेनर, जेनर से हमने बनाया जेनी, और स्मॉल पॉक्स से बनाया है, स्मॉल बॉक्स में उन्होंने गिफ्ट दिए, ठीक है। तो ये हमने इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट देखिए आरएनए, देखिए आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है, बस ये देखिए आरएनए, आरएनए क्या है, वॉटसन एंड अर्थर। देखो आरएनए आर से स्टार्ट हो रहा है ना, आरएनए, एक मिनट रुकिए, चलिए सॉरी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, डिस्टर्बेंस आ गया ना। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग आरएनए की बात कर रहे थे और डीएनए की बात कर रहे थे। देखो आरएनए एंड डीएनए, तो ये क्या करते हैं, तो आरएनए किससे स्टार्ट होता है, आर से हो रहा है, तो वॉटसन, वॉटसन तो दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस कितना है, आरएनए एंड डीएनए, आर के डिफरेंस है ना। तो देखिए इसमें ना दो आर आ रहे हैं, अर्थर, दो आर आ रहे हैं अर्थर, ठीक है। तो आरएनए आ जाए तो मतलब हमें वॉटसन एंड अर्थर लगाना है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आ जाए तो हमें क्या लगाना है, वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए का आ जाए तो वॉटसन एंड क्रिक। और एक देखिए एक और भी ट्रिक है इसकी, मैं ये क्लियर कर देती हूँ। देखिए देखो क्रिक मतलब ये ऐसे भी मतलब प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, किक, किक है ना। तो क्या होता है कि डीएनए होता क्या है, ये हमारा एक जेनेटिक, वो मतलब जेनेटिक चीज़ होती है डीएनए, जिससे हमारी जीन्स को ट्रांसफर होता है। तो एक जीन्स से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या हुआ, किक हुआ। तो क्या है डीएनए हमारा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किक, तो ये क्या हो गया, किक हो गया किसका, डीएनए का, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने किया है, वॉटसन एंड क्रिक, फाइन। अब देखिए अब हम अपना नेक्स्ट देखिए इंसुलिन, इंसुलिन किसने किया, बेंटिंग एंड बेस्ट। देखिए इंसुलिन डायबिटीज में बोलते हैं कि इंसुलिन लेना इज वेरी मतलब इज गुड रादर देन दीज मेडिसिन, जब तक मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन चल रही है, बट फिर क्या होता है, हम लोग के बोलते हैं कि हाँ इंसुलिन पे है, मतलब इंसुलिन से ठीक है, इंसुलिन इज द बेस्ट क्योर फॉर दी नॉट क्योर बट हाँ ठीक है बेस्ट आप मेडिसिन बोल दीजिए या मेडिकेशन बोल दीजिए जिस पे होते हैं, तो बेंटिन एंड बेस्ट फॉर दी डायबिटीज पेशेंट। तो इंसुलिन क्या है, बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। बायोलॉजी ऑफ द कैंसर, कैंसर देखिए वेनबर्ग। अब देखिए कैंसर क्या करता है, आपके वेन्स में पहुँच के, मतलब आप ऐसे ये सिर्फ तरीका मैं बता रही हूँ लर्न करने का, जो कैंसर होता है वो क्या करता है, वो जो कैंसर होता है वो आपके ऐसे वेन बर्ग, देखो ऐसे करो, वेन मतलब वेन्स में पहुंच जाता है और भर जाता है हर जगह, तब वेन से आप देख ले ना कैंसर निकलता नहीं है और इंसान की डेथ ही हो जाती है। तो क्या होता है, वेन में भर गया, मतलब वो कैंसर नहीं निकल रहा, नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया, कैंसर वेन बर्ग, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं।
फिर देखिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. अब देखो हार्ट की जब अगर बात आ जाती है तो किसमें आप क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ हार्ट की बात आ गई, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में कहते हैं क्रिस्टल बर्नार्ड. तो देखो बर्न इसमें आ रहा है ना, हार्ट मतलब दिल की अगर बात आएगी तो कहाँ से होगा, बहुत दिल जलते हैं, दिल आपके ब्रेकअप होते हैं, पैचअप होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हार्ट बर्न, मतलब ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, दिल जले, मूवी भी है ना, मूवी है, गाना है, वॉट एवर, तो दिल जले बर्न, तो बर्न से आप याद करते हो बर्नार्ड. ठीक है, हार्ट की बात आ जाए, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन मतलब हार्ट बर्नार्ड. ठीक है, तो ये इसकी इसकी ट्रिक हो गई. फिर नेक्स्ट देखिए आप, आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का क्या, ल्यूमेन हो, ल्यूमेन हो, ठीक है, बैक्टीरिया ल्यूमेन हो. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी, लिली हाय, लिली हाय. ठीक है, ओपन मतलब दिल खोल के हम सबको लिलीज दे रहे हैं, दिल खोल के हम सबका वेलकम कर रहे हैं, और वेलकम हम कैसे कर रहे हैं, लिलीज देके. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिलीज देके आप इस हम सबका वेलकम करते हैं, तो लिली हाय. ठीक है, हमने वेलकम किया ओपन हार्ट से, हमने सबका वेलकम किया लिलीज देकर, तो क्या हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी, वेल्टन लिली हाय, फाइन. अब देखिए आप ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन किसका आ जाएगा, विलियम हार्वे, हार्वे. अब देखो हार्वेस्टिंग होती है ना, हार्वेस्टिंग क्या होती है, मतलब आप एक साइकिल आती है आपका पूरा, मतलब हार्वेस्ट होता रहता है, जो भी सीजन आते हैं सीजन टू सीजन हार्वेस्ट होता रहता है. तो ऐसे ही ब्लड हमारी पूरी बॉडी में हार्वे मतलब हार्वेस्टिंग टाइप में कर रहा है, पूरा घूम रहा है, तो क्या हो गया इसका, विलियम हार्वे, हार्वे. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का क्या हो गया, विलियम हार्वे. वैक्सीनेशन देखिए, वैक्सीनेशन जो भी होएगा तो वही मैंने आपको बताया था ऊपर, देखिए वैक्सीनेशन मैंने ऊपर बताया है, नहीं बताया, अच्छा सॉरी, चलिए नहीं ये बताया ना, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन होता है वो कितना था, एडवर्ड जेनर. ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो वैक्सीनेशन आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, एडवर्ड जेनर का, फाइन. जेनेटिक कोड, अब देखो एक ही हमारा जो मतलब हमारे इतने सब हमने इंग्लिश नेम देख लिया, हमारा इंडियन नेम कोई भी नहीं मिला, इंडियन नेम एक ही मिला, कौन सा, हरविंद खुराना, जेनेटिक कोड. तो हमारे भी इंडियन जीन्स की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए हैं इंडियन जीन्स, तो क्या नाम हो गया, हरगोविंद खुराना. ठीक है, रेबीज और हाइड्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया किससे होता है, रेबीज का ही एक साइड इफेक्ट होता है कि आपको हाइड्रोफोबिया होता है, क्या है, पानी का डर. ठीक है, तो मतलब रेबीज से ही हाइड्रोफोबिया होता है, तो उसका कौन इन्वेंटर है, लुईस पैस्टर, और इन्होंने पैस्टराइजेशन भी दिया था. ठीक है, तो इसके कौन हो जाएंगे, लुईस पैस्टर. नेक्स्ट देखिए, साइंस ऑफ वायरस, देखिए वायरस के कौन होंगे, इवानोस्की एंड बेंजरिक. तो इनका क्या हो जाएगा, देखो वी फॉर वायरस. ठीक है, और इवानोस्की में भी वो आ रहे हैं, दो वी आ रहे हैं, तो इसका आप ऐसे लर्न कर लीजिए, इवानोस्की, साइंस ऑफ वायरस, इवानोस्की एंड बेंजरिक, फाइन. अब बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड में देखो कंप्लीट कहते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट आपको लेना चाहिए, आपको कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए तभी आपका टाइफाइड ठीक होगा. तो उसमें क्या, ई बर्थ. अब आप लोग वहाँ जाते हैं किसी ट्रेन में, आप लोग देखते हैं तो आपको एक बर्थ मिलती है ना, बर्थ पे आप आराम से लेट जाते हो. ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जब आप टाइफाइड में बेड रेस्ट लेंगे तो आप क्या लेंगे, आपको एक बर्थ मिल गई, मतलब आपको एक बर्थ मिल गई, आराम से लेट जाइए और अपना रेस्ट कीजिए. ठीक है, ऐसे देखिए ब्लड ग्रुप किसने दिए हैं, कार्ल लैंडस्टीनर. ठीक है, अब देखो आप अगर ज़मीन पे धरती पे आए हो तो कोई सा ग्रुप लेके आए हो, कौन सा ग्रुप बताएंगे वो, तो आप कहाँ पर आए, आप आए लैंड पर आए, तो उन्होंने कहा कि आप कौन सा कार्ल, मतलब कौन सा आप ग्रुप लेकर आए हो, तो वो कह रहे हैं कौन ब्लड ग्रुप है, तो कार्ल लैंडस्टीनर. ठीक है, लैंड पे आए, कौन सा ग्रुप लेकर आए, तो ये कौन बताएंगे, कार्ल लैंडस्टीनर. ह्यूमन ब्लड ग्रुप को किसने डिफाइन किया, कार्ल लैंडस्टीनर. देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किसने किया था, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब रॉबर्ट एडवर्ड. ठीक है, अब लेकिन हमारी ना इंडियन मतलब हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी हमारी कौन है, तो वो कौन है, कनुप्रिया. देखिए इनका नाम है, कनुप्रिया अग्रवाल. इनका भी ना 40th बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ है हाल ही में, इनका 40th बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ है. तो कनुप्रिया अग्रवाल ये हमारी इंडियन
फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो वो कौन है? कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, ये मैं रेस कर देती हूँ। अब आइए हमारा नेक्स्ट, देखिए मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट किसने दिए? रोनाल्ड रॉस ने। अच्छा देखिए, मलेरिया के लिए हमारी कौन सी मेडिसिन होती है? ये मलेरिया के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? बोलते हैं हम ना क्लोरोक्विन। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है क्लोरोक्विन। तो ये हमारी कहाँ से मतलब किससे हमारी यूज होती है? तो ये हमारी बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री से हमारी ऑब्टेन होती है क्लोरोक्विन, दैट विच इज अ मलेरियल मेडिसिन। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये हमारा मलेरियल पैरासाइट किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने। ये भी बहुत आता है रोनाल्ड रॉस। फिर एस्पिरिन, फेलिक्स हॉफमैन। देखो एस्पिरिन सर दर्द भी होता है तो भी हम दवाई ले लेते हैं, तो क्या हो गया? फेलिक्स मतलब आपका दिमाग फेल हो गया, एंड हॉफमैन मतलब आप हाफ मैन हो गए, तो आप क्या ले लेंगे? एस्पिरिन। तो आपको कैसे इसका याद करने का तरीका क्या हो गया? एस्पिरिन, फेलिक्स हॉफमैन। फिर एलएसडी, एल्बर्ट हॉफमैन। ये एल्बर्ट हॉफमैन है। फेलिक्स मतलब फेल, दिमाग फेल हो गया, मतलब ये ट्रिक है, मतलब नहीं है फेलिक्स का, मतलब फेल नहीं होता, बट ये ट्रिक है। फेलिक्स मतलब फेल और हॉफमैन हो गया। ठीक है, और एलएसडी का एल्बर्ट हॉफमैन। फाइन, अब क्लोरोफॉर्म का देखो ये भी आ जाता है कि इसका फॉर्मूला बताओ, तो CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। जेम्स सिम्पसन। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए क्लोरोक्विन का कौन? हैंस एंडरसेट। ठीक है, हैंस एंडरसेट। तो ये क्यों गया? क्लोरोक्विन मैंने आपको बताया किसने करी थी? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरियल पैरासाइट इन्होंने किया था। और ये कहाँ से ऑप्टेन होती है? बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट थे और हमारे इन्वेंटर्स थे, जिनपे आप इनसे अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ रखे थे, वो भी मैंने ले लिए, और जो इनके इसके भी क्वेश्चन वो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? कौन बताए थे? जोसेफ लिस्टर। देखो, तो ये हम कैसे याद रख रहे थे? जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी। हॉस्पिटल में जाएंगे आप, कोई सर्जरी करेंगे, तो उन सबका रिकॉर्ड होगा ना, मतलब उन सबका एक लिस्ट बनी होगी ना, तो ये हो गए लिस्टर। तो यहाँ पे सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी आप कोई करवाएंगे तो वहां पर क्या होगी? लिस्ट बनी होगी, तो जोसेफ लिस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? जोसेफ लिस्टर। फाइन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वाधिक जीवाणु का पता किसने किया? मैंने बताया ना बैक्टीरिया किसने किया था? ल्यूवेन हॉक, बैक्टीरिया ल्यूवेन हॉक। ठीक है, फिर अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देख लीजिए, एडवर्ड जेनर ने मैंने क्या बताया था? वैक्सीनेशन था स्मॉल पॉक्स का, है ना, तो ये वो हो गया। लुइस पैस्टराइजेशन, इन्होंने पैस्टराइजेशन भी बताया था, तो वो हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा निरंतरित नहीं की जा सकती, जिसका टीका नहीं होता? वूपिंग कफ का होता है, स्मॉल पैक्स का हमने बताया वैक्सीनेशन होता है, डायबिटीज़ का नहीं होता। ठीक है, डायबिटीज़ का नहीं होता। डायबिटीज़ किसने की थी? अब बताइए, बेंटिंग एंड बेस्ट, वो सॉरी इसका इंसुलिन लगते हैं, और वो किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए BCG टीका मैंने बताया था किसके लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। BCG के टीके किस विरोध के लिए लगाए जाते हैं? किस रोग के विरोध के लिए लगाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक बनता है, मतलब किससे बनता है? तो वो हमारा बनता है कवक से, कवक मतलब फंगस। मैंने बताया था कौन सा पेनिसिलिन किससे बनती है? कवक से मतलब फंगस से, तो ये फंगस से बनती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928 में की थी इन्होंने, 1928 में इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से किसने ये मूल अवधारणा प्रस्तुत की?
की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बनते हैं, कि सभी जो जीव हैं वो सेल से बनते हैं। तो देखो इन्होंने ना एक सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल्डन एंड सचवान ने दी थी, सेल्डन एंड सचवान ने सेल थ्योरी दी थी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने, तो हमारा रॉबर्ट हुक और एम जे शेल्डन, तो ये हमारा 2 and 3 हो जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सॉरी गलत हो गया, शेल्डन एंड सचवान, सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन एंड सचवान ने, तो 2 and 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 2 and 4। ठीक है, हरगोविंद खुराना, मैंने बताया था आपको नोबेल पुरस्कार मिला था इनको जेनेटिक को, किसके लिए मिला था इनको, जेनेटिक कोड, हमने बताया था हमारे जेनेटिक हमारे जीन्स बढ़ाए हैं, किसने बनाए, हरगोविंद खुराना ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरगोविंद खुराना ने किसके लिए सम्मानित किया गया था, इन्होंने जीन्स का संश्लेषण तो जेनेटिक कोड किया था, बट प्रोटीन संश्लेषण से इन्होंने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था, बताइए, डीएनए आ गया तो वॉटसन एंड क्रिक, और वॉटसन एंड आर्थर आ गया तो आरएनए हो जाएगा, और क्रिक आ गया तो डीएनए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, ये मैंने एक ऐसे ये डाला हुआ है, देखिए ये हम कैसे लगाएंगे, देखो ए बी और जो रक्त समूह है किसने, आप लैंड पे आए हो तो आपको किसका मतलब पता चलेगा, किसने, लैंड स्टीनर, तो ये हमारा एक ऑप्शन होना चाहिए, ए बी ओ का क्या हो गया, लैंड स्टीनर। ठीक है, तो बी का तो फोन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, और क्या हो गया, डीएनए की संरचना किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने की थी, और इसमें देखिए सॉरी और कौन सा है, जंपिंग जीन, जंपिंग जीन किसने करा था, जंपिंग जीन बर्बरा मैकलिन टॉक, मैकलिन टॉक, देखो जंपिंग जीन, जिसके जीन्स में बहुत ज़्यादा बर्बरता होगी या जंप करते रहेंगे वो कौन करेंगे, बर्बरा जो बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, वो क्या होंगे, मैकलिन टॉक, वो बहुत बड़बड़ाते हैं, मतलब बर्बरा एंड मैकलिन टॉक टॉक करते हैं। और लास्ट जो रेगुलेटरी जीन बचा है उसका क्या हो गया, जैकब और मोनोड, जैकब और मोनोड। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं तो ये नोट डाउन भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए पोलियो वैक्सीन, ये देखिए जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, दो वैक्सीन, एक ओरल होती है, इनक्यूबिनेट, एक इनक्यूबिनेट होती है, तो पोलियो वैक्सीन जो की खोज किसने, जॉन साल्क ने के द्वारा। ठीक है, ये कौन सी थी, इनक्यूबिनेशन वाली, और ओरल पोलियो वैक्सीन सब इन, मतलब सब लोग अंदर आ जाओ हम पोलियो की ड्रॉप्स पिला दें, ओरल पोलियो वैक्सीन किसने की थी, एल्बर्ट सबिन, एल्बर्ट सबिन। ठीक है, तो ये भी आप दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, और आपको कोई भी आपको कोई चेंजेस करवाना है कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके ओके, बाय बाय।